नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही खूबसूरत शहर मेलबर्न में हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। मेलबर्न या स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो इंडिया से बिल्कुल अपोजिट में है। जब हमारे यहाँ ठंड का मौसम होता है तो यहाँ धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है। मैं इस वक्त यहाँ की एक बेहतरीन तस्वीर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके साथ साथ एक बेहतर मैसेज भी देने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों से अपनी एक मन की बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं हिंदुस्तान में या दूसरे किसी शहर में होता हूँ या छोटे से टाउन में होता हूँ, वहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी दूसरे शहर में, राज्य में, किसी और जगह पर पढ़ने के लिए भेजते हैं और कमाने के लिए, काम धंधे के लिए भी इंसान अपना देश, अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह जाता है। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दूं। आप लोगों को पता ही है कि मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूं और इस ट्रैवल में जब मैं, मान लीजिए कि जोधपुर में हूं, तो जोधपुर का बच्चा मुंबई पढ़ने जाना चाहता है और मुंबई जाने के बाद वो फिर इंग्लैंड, US या किसी और कंट्री में या किसी और राज्य में, हो सकता है साउथ में जाए। जब मैं मुंबई जाता हूँ तो जोधपुर का बच्चा मुंबई जा रहा है, मुंबई का बच्चा बेंगलुरु जा रहा है, बेंगलुरु वाला इंसान गुड़गांव में जॉब कर रहा है, गुड़गांव का बच्चा हैदराबाद जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ट्रैवल करते रहते हैं। तब जब मैंने काफ़ी ट्रैवल किया तो मैंने ऐसा भी देखा लोगों को कि इंडिया से इंसान अमेरिका पढ़ने के लिए जा रहा है, अमेरिका वाला कहाँ जा रहा है। वहां जाकर लोगों से मिला तो वो कहते हैं कि हमारा बच्चा अब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वो इंग्लैंड जा रहा है। जब हम इंग्लैंड गए तो पता लगा कि इंग्लैंड के बहुत सारे बच्चे हैं वो जर्मनी पढ़ने के लिए जाते हैं, जर्मनी गए तो वहां के बच्चे माइग्रेट करके कोई कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। PR के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमें PR मिल जाए, परमानेंट रेजिडेंसी, जिसमें आज की तारीख में सबसे हॉट अगर कोई कंट्री है वर्ल्ड में तो वो कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में ही हूँ, काफ़ी लोगों से कल भी मिला हूँ और आज भी मिला हूँ, और हमेशा जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते थे, स्पेशली पंजाब और हिंदुस्तान के नॉर्थ के पार्ट के लोग, और वो ऑस्ट्रेलिया आ भी गए, तो क्या आने के बाद वो खुश हो गए? आने के बाद उनको जो चाहिए था वो सब कुछ मिलने के बाद क्या उनको सुकून, चैन और शांति मिल गई? उनमें से बहुत सारे लोगों को फैसिलिटीज तो मिली, गाड़ी मिली, मकान भी मिला, बेहतर ट्रैफिक, बेहतर सिस्टम, बेहतर व्यवस्था मिली, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं कमी जो कि मानसिक रूप से उन्हें दुखी करती है, परेशान करती है, एक अननोन फियर वो हमेशा रहा। पहले इंसान अपने PR के लिए दौड़ता रहा, PR मिलने के बाद अब सोचा कि अब मैं स्वतंत्र और एक आज़ाद पंछी की तरह घूमूंगा, फिर गधा मजदूरी शुरू होती है और फिर दुनिया भर की भागदौड़ करने के बाद उसे शांति नहीं मिल पाती है। फिर वो शांति की खोज में पंडित जी, गुरुद्वारा, चर्च या किसी मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, जहां कहीं भी उसे कोई संत, फकीर, बाबा कोई भी मिल जाए, वहां जाकर वो कहते हैं कि मैंने पाया तो सब कुछ है लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। तो अब ये शांति अगर आपने साधन और सुखों में खोजी, गाड़ी मकान सुख सुविधाओं में खोजने की कोशिश की, तो हो सकता है वो नहीं भी मिले। एक मेरी माँ और स्पेशली मेरे पिताजी भी कई बार मुझे कहानी सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि एक आदमी ने अपने बाबा जी, अपने गुरु जी से कहा कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन शांति नहीं है मेरे पास। अब ऐसी परिस्थिति में जिसके पास शांति नहीं है और वो शांति की खोज में ही यहां पर आया था, तो बाबा जी ने कहा कि कल सुबह तुम मेरे पास आओ, फिर हम आगे चलते हैं और मैं तुम्हें बताता हूं कि सुख कहां पर है, शांति कहां पर है। बाबा जी ने कहा अगले दिन सुबह वो जो पहुंचा वहां पे कि ये बड़ा सा पत्थर है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, नहीं लेके जा पाऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो और इसे अंदर लेके चलते हैं। उस इंसान ने कहा यस बाबा जी, मैं आता हूँ, उठा देता हूँ, और पत्थर को उठाए और रवाना हुए। कुछ देर के बाद उस इंसान के हाथों में दर्द होने लगा। एक दो बार बाबा जी से कहा कि बाबा जी अब मैं पत्थर नहीं लेके चल सकता हूं, तो बाबा जी ने कहा कि भाई इसको लेके तो चलना पड़ेगा अपने। उस आदमी ने वो पत्थर छोड़ दिया नीचे। छोड़ने के बाद बाबा जी ने कहा अब कैसा लग रहा है? उसे कहा बहुत हल्कापन लग रहा है कि अब जो दुखी थे तुम इतनी देर से, अब तुम सुखी हुए हो, शांति मिली तुम्हें? वो कहता हाँ बाबा जी, अब मुझे शांति मिली है। वैसे ही हम अगर अपनी जिंदगी में
छोटे छोटे पत्थर जो लेकर घूम रहे हैं। जैसे माता पिता को ऐसा लगता है कि हम हैं जब तक ये हमारे बच्चे को हम ख्याल कर सकते हैं, बाद में इनका क्या होगा। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाइए और बच्चों के एक उम्र के बाद उनको अपनी जिंदगी जीने पर आप फ्री कर दीजिए। जैसे बहुत सारे माँ बाप एक काम करते हैं कि अपने बच्चे को हमेशा ही समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 25 साल का हो चुका है, 30 साल का हो चुका है। समझाना चाहिए, मैं ये इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस बच्चे का आज्ञा चक्र कब डेवलप होगा। आप हमेशा बच्चों गेट ढंग से खोलना, ये करना वो करना, बच्चों को सिर्फ ये सिखाइए कि आप एक गलती को एक बार करो दोबारा मत करना, आज्ञा चक्र डेवलप नहीं होगा। तो वो शांति किस में मिलेगी आपको कि छोटे छोटे जो पत्थर आप जीवन में लेके घूम रहे हैं, पति का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आप ये सब एक वक्त आने के बाद छोड़ दीजिए। और शांति किसी साधन में आपको नहीं मिलेगी कि आप वर्ल्ड टूर करोगे तब शांति मिलेगी। मैं अभी तक बहुत सारे देशों को घूमने का मौका मिला, मैं अपने बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि जितने देश में घुमा हूं वो जब अपने देश में थे तब भी परेशान थे और बाहर जाने के बाद भी परेशान हुआ। कुछ चीजें उन्होंने पाई जरूर, लेकिन पाने के बाद भी वो सिकंदर की तरह खाली हाथ ही रह गए कि पाए तो सब कुछ लेकिन वापस कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली जो हमें संतुष्टि और शांति दे सके। इसलिए अंत में इंसान अपनी जिंदगी माला पकड़ता है, पूजा पाठ करता है और फिर वो ये कहता है कि भगवान मुझे इस जन्म और मरण के बंधन से बाहर निकाल और मुझे ऐसा जीवन मत देना। मैं आप लोगों को आज अपनी बात का एक सार कहना चाहता हूं कि शांति सिर्फ भीतर है। आपके पास जितना भी साधन है, सुख सुविधा है, उसका पूरा आनंद लीजिए और दुखी किसी भी हाल में मत होइए। ये ईश्वर का दिया हुआ सुख और दुख का एक सिस्टम है जिसपे हम सबको गुजरना पड़ेगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, आप या आपका बेटा या आपकी बेटी डॉक्टर बनते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, MBBS 5 साल पढ़ते हैं, फिर आगे MD करते हैं, उसके बाद अगर भगवान उस बच्चे के लिए पेशेंट ना बनाए तो फिर क्या फायदा होगा बताइए, उसकी पढ़ाई तो वेस्ट हो गई। यानी जब एक बच्चा डॉक्टर बनना है तो उसके लिए पेशेंट भगवान को बनानी पड़ेगी, या सुखी बनाए उसके लिए दुख तैयार करने पड़ेंगे भगवान को। आपका बच्चा अगर वकील बनता है तो उसके लिए अपराधी या लॉ से संबंधित कोई तकलीफें देने वाले इंसान बनाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज ये दुनिया नहीं चल सकती है। इसलिए आप लोगों से मेरी नम्र निवेदन और एक गुजारिश है कि अपने जीवन में छोटे छोटे पत्थर जो आप दुख के लेकर घूम रहे उनको छोड़िए। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी आपको सुख कहीं नहीं मिलेगा, सुख सिर्फ भीतर है। अपने आप से मिलिए, एक मुलाकात खुद के साथ करिए, खुद से हर पल प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिए और दुख वाले मैसेजेस, दुख वाले लोगों से, दुख वाली इंपॉर्टेंट चीजों से अपने आप को दूरी करिए और अपने आसपास एक स्वर्ग बनाने की, एक सतयुग बनाने की कोशिश अभी इसी वक्त से जरूर करिए। मैं इस वक्त मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हूं और बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, बड़ा सुंदर वातावरण जिससे मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मैं यहां पर अभी 2-3 दिन हूं, फिर मैं सिडनी चला जाऊंगा और फिर भारत आ जाएंगे। मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, प्यार भरा नमस्कार, और उम्मीद है कि आप ऐसे छोटे छोटे पत्थर इसी वक्त से फेंकना शुरू कर देंगे। नमस्कार।